दूसरे साल की एडमिशन का डेट जो है बढ़ेगा या नहीं बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके पूछ रहे हैं कि कुछ डेट जो है फॉरवर्ड कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो है दोस्तों को या दिक्कत का सामना करना पड़ रहे हैं कि उन सभी दोस्तों ने जब अपना इनरोलमेंट नंबर डाल रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो किसी किसी को सर्वर जो है डाउन बता रहे हैं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि वाकई में अनायस ने अपनी एग्जामिनेशन डेट और सेकेंड ईयर का एडमिशन का डेट बढ़ाने का कोई प्लान किए हैं या नहीं किए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को वेलकम करते हैं। वेलकम टू आवर डिसेस क्लास। हमारे डिसेस क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम जो आज जो इस टॉपिक्स में बात करने वाले हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन, जिसको शॉर्ट में डीएलएड कहते हैं, उन सभी कैंडिडेटों के लिए जो एनआईसी कर रहे होंगे, उनके मन पर जो बहुत सारा जो है क्वेश्चन उठ रहे हैं कि दूसरे साल की एडमिशन का जो डेट है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो चलिए इस चीज़ को संतुष्टि करने के लिए हम लोग को, यानी आप सभी को ले जा रहे हैं एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहाँ से पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। तो चलिए बने रहिएगा जरूर। सबसे पहले आपको यह बता देना चाहते हैं कि यदि आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे से आने वाले नए नए वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। और उसके साथ साथ बेल का भी आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम जो है nis.ac.in के साइट पर आ गए हैं। उसके बाद आने के बाद जो यहाँ पर DLED फॉर अनट्रेंड टीचर पर हम लोग यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग को DLED का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो है हम लोग के पास जो पहुँचा देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर जैसे हमने प्रेस की तो यहाँ पर जो है रीडायरेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप सभी को पता है कि सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन जो है, सेकेंड ईयर का एडमिशन करवाने के लिए दो लिंक मौजूद दिए हैं। पहला लिंक यहाँ है और दूसरा लिंक जो है टीचर सेक्शन में जाकर यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आप सभी को यह बता दें कि यहाँ पर जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, वैसे ही आपको इनरोलमेंट नंबर मांगते हैं और अपना डेट को सबमिट करते हैं, उसके बाद जो अगला प्रोसेस जाते हैं। बट हम लोग मेन मोटिव हमारा जो है यह है कि इसका जो है जो सेकेंड ईयर का जो एडमिशन थे उसका डेट में कोई बदलाव होंगे या नहीं होंगे, तो इसी के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि 7 जून से लेकर 7 जुलाई तक लास्ट डेट आपको बताए दिए गए थे, जो कि 7 जुलाई में भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट हो भी चुके होंगे। तो यहाँ पर जो है लास्ट डेट आपको 7 जुलाई, क्योंकि 7 जून से लेकर 7 जुलाई तक। तो बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहे हैं कि जो है हमारा जो है पेमेंट हो चुके हैं बट नॉट मेड पेमेंट करके आ रहे हैं, किसी किसी का पेमेंट ही नहीं हो पा रहे हैं, कहीं पर बीच में जाके अटक जा रहे हैं और सर्वर एरर आ रहे हैं। तो सर्वर एरर आने के कारण जो है बहुत सारे शिक्षक जो है सेकेंड ईयर में अपना एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या इस प्रकार से समस्या हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यह हमें कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर साफ साफ लिख देंगे इस पॉइंट पर कि द्वितीय वर्ष का प्रवेश 7 जुलाई 2018 की अंतिम तिथि के बाद फिर से नहीं खुलेंगे। नहीं खुलेंगे मतलब नहीं खुलेंगे, ठीक है। एनआईएस ने साफ साफ कह दिएगे कि इसका डेट को हम लोग कोई फॉरवर्ड नहीं करेंगे। जो 7 जुलाई का जो लास्ट डेट बता दिएगी, यही लास्ट जो है डेट है 7 जुलाई। इसके बाद का आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, एडमिशन करने के लिए आपको जो है नहीं मिलेंगे। तो यह चीज़ हमें कमेंट लिख कर बताएं, क्या आगे का डेट बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एनआईएस ने पहले ही बता दिए कि कोई हम लोग डेट नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से अगर लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं,
कमेंट करते तो हो सकते हैं ना इसका मैनेजर के पास यह बात पहुंच जाए और बहुत सारे जो शिक्षक अभी भी में भी अपना अपना एडमिशन नहीं करवा पाए तो अपना एडमिशन जो है करवाने के लिए उन लोगों को कम से कम और 10 दिन का मोहलत दे दे, यानी 10 दिन के और डेट को फॉरवर्ड कर दे। तो कितने लोग चाहते हैं कि और डेट 10 दिन फॉरवर्ड कर दें, हमें कमेंट लिख कर जरूर बताएं। कितने लोग नहीं चाहते कि और कोई डेट नहीं मिलने चाहिए, यह भी हमें कमेंट लिख कर जरूर बताएं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने करवा लिए हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि उसका क्या, मेरा तो हो गया ना, जाने दीजिए, ऐसा नहीं। सभी के लिए, आप सभी के हित पर आप सोचिए। आप भी एक शिक्षक है, वह भी एक शिक्षक है, हर किसी का परिवार है, हर किसी का फैमिली, इसीलिए सभी का होते हैं बराबर। इसीलिए आप सभी को साथ दें, जो नहीं करवाए उनका भी मदद करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप सभी को जो क्वेश्चन उठ रहे थे कि डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इन सभी को लेकर जो आपके मन में डाउट को क्लियर हो चुके होंगे। किसी भी प्रकार का फिर भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर हमें बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कोई एक नए वीडियो के साथ। अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा।